मैं हम छठ मैया पर तो उनके पर अर्ज लगा दिए जो हमको लाल हो जाएगा, गोदी भर जाएगा, तो हम उनको मन्नत पूरा कर देंगे, हाथी बैठाएंगे 151। हाँ, 5 साल का ही नाती है। शादी हुआ था उस टाइम से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरा जो है थोड़ा पत्नी को प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने मन्नत मांगा छठ को। उस टाइम में छठ पूजा ही था, तो मैंने बोला जो अगर सही सलामत हो जाएगा बच्चा तो मैं आपको 151 हाथी बैठाऊंगा। बालक जो मन कुमना था तो पूरा कर दिया। अब आगे मुझे यही है, छठी मैया के मांगते हैं जो का मन्नत था, जो दरियापुर ग्रामवासी लखिंदर पासवान, इनको एक पोता हुआ था, इसी खुशी में यहाँ पर 151 कोसी की स्थापना की है। सभी लोग को छठ मैया सद्बुद्धि दे, बच्चा लोग पढ़े लिखे उनके आशीर्वाद से, और ये गाँव फले फूले। हाँ, देवरानी हो, मेरा देवर है। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज्ड डीलर आनंद इंटरप्राइज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। आस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर सभी जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के दरियापुर गाँव में है, जहाँ पर एक परिवार के द्वारा जो है 151 जो हाथी है उसे बैठाया गया है। क्या कुछ इसका जो रहस्य है उसके बारे में हम जानने के लिए आए हैं। लगातार जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो भी यहां का वायरल हो रहा है, देख सकते हैं उनके परिवार के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हुआ लखिंदर पासवान। क्या हुआ कि 151 जो है हाथी को? हम पोता के मलिन बैठाए हुए हैं। किस क्या हुआ? पोता का बैठाए हुए अपना खुशी से अति किए, माने जो अरे हमारा उतना कहे जन। क्या हुआ था आपके साथ? मन्नत माने थे, हमरा समधिनी माने थे। क्या माने थे? माने थे हमार लड़की तो सोनी है, वो बहुत भटक रहे थे, इधर उधर के लोग ने ताना मार रहा था। मैं हम छठ मैया पर तो उनके पर अर्ज लगा दिए जो हमको लाल हो जाएगा, गोदी भर जाएगा, तो हम उनको मन्नत पूरा कर देंगे, हाथी बैठाएंगे 151। हाँ, 5 साल का ही नाती है। कितना खुशी महसूस? बहुत खुशी है, बहुत बहुत दिल से खुशी है, हंसी खुशी, अपना परिवार से, गांव समाज से सबसे खुशी है, सब खुशी है। नाती हो गया? हाँ, बहुत खुशी है, 2 गो नाती है, ये 5 साल के, 1-3 साल के है। छठी मैया का पूरा आशीर्वाद? बहुत आशीर्वाद, हम खुश है बहुत। क्या नाम हुआ? भागमती देवी। कितना खुशी महसूस हो रहा? बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। उनके जो लड़के हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या हुआ था, किस लिए जो है छठी मैया को मान दिए थे? माने थे जो, नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत पासवान, मैं मेरा पिताजी का नाम श्री लखिंदर पासवान, घर दरियापुर, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, पंचायत पानापुर अवेली। जो मेरा तब जिस टाइम में शादी हुआ था उस टाइम से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरा जो है थोड़ा पत्नी को प्रॉब्लम हुआ, तो क्या गुजरात ले गए, गुजरात में भी उत्साह नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर ने बोला जो नहीं ये ऐसा है जो इसको या कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने मन्नत मांगा छठ को। उस टाइम में छठ पूजा ही था, तो मैंने बोला जो अगर सही सलामत हो जाएगा बच्चा तो मैं आपको 151 हाथी बैठाऊंगा। तो मैं 1 ही साल का माना था, तो ऐसे इसको मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर एक बार दोहराऊंगा और करूँगा, इससे बहुत धूमधाम से करूँगा। और यह क्या है जो है सब अच्छा हुआ है, और खुशी तो बहुत है, जो हमारे गांव समाज की बहुत हम लोग के हेल्प किए, बहुत अच्छे से देखभाल किए, हर चीज़ किए, आज जो भी चीज़ है वो सब मेरे भाई, चाचा, पापा जो भी है सब उनके बदौलत से है। पत्नी कहाँ है? पहचानते नहीं? नहीं नहीं है। और देखिए लगातार जो है उनके परिवार के लोगों में खुशी महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या? मेरा संगीता देवी। परिवार ही के? हाँ। खुशी महसूस हो रहा है जो है 151 जो है आपके घर पे जो है अति हाथी बैठा हुआ? बहुत खुशी हो रहा है। दिन को बच्चा हुआ? हाँ हाँ, देवरानी हो, मेरा देवर है। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है इन्हीं के लिए जो है मन्नत मांगा गया था। हाँ। कितना खुशी महसूस? बहुत हो गया। परिवार खुशी है? हाँ, खुशी, ठीक है। हाँ, इस बार छठ पर्व कर रहे हैं? हाँ, कर रहे। छठी मैया से इस बार क्या मांगे? कुछ मांगे हैं कि नहीं?
संपत्ति बहुत दे, उनका सब परिवार का अपना खुश रहे, गांव समाज सब छठी मैया बहुत आबाद करके रखने। आगे में बालक जो मन कुमना था तो पूरा कर दिया, अब आगे मुझे यही है छठी मैया के मांगते हैं जो मेरे बेटी दामाद सब खुश रहे, झोपड़ी में है सो 2 तल्ला से 3 तल्ला हो जाए और क्या, वही झोपड़ी का आशीर्वाद दे, बस यही इतना ही है। देखिए इनके परिवार के लोगों से हमने बात किया है, काफ़ी खुशी का लहर है यहाँ पर। देखिए यहाँ का जो सरपंच साहब हैं इनसे भी बात करें, क्या कहेंगे, पूरा जगमगा दिए हुए हैं पूरा पंचायत जगमगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये आस्था और प्रकृति का त्यौहार जो छठ को महापर्व के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक इनका मन्नत था जो दरियापुर ग्रामवासी लखिंदर पासवान, इनको एक पोता हुआ था, इसी खुशी में यहाँ पर 151 कोसी की स्थापना किए, और ये बहुत अच्छा लगा हमको ये देख के। और हम क्या, ये 5-6 गांव के लोग भी यहाँ के देखे हैं, शाम से अभी तक यहाँ मेला का माहौल था, कम से कम हजारों लोग यहाँ आके देख के गए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा, हाँ यहाँ पे ये अद्भुत चीज़ है जो इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, और ये पहला बार देखा गया है जो पूरे बिहार में 151 कोसी कहीं स्थापित नहीं हुआ, ये पहला दफ़ा यहाँ पे हो रहा है जो छठ मैया के नाम पे हो रहा है। और हम कामना करते हैं कि सभी लोग को छठ मैया सद्बुद्धि दे, बच्चा लोग पढ़े लिखे उनके आशीर्वाद से, और ये गाँव फले फूले, और ये सभी लोग सहयोग किया, पूरे गाँव का लोग सहयोग किया है, ये सार्थक हुआ है, अकेले हो नहीं सकता था, ये सभी लोग मदद किए हैं, सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इस काम में सहयोग के लिए। चलिए यहाँ पर कुछ लोग क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है जो है, तो अच्छा लग रहा है, सब आदमी के सहयोग से हो रहा है, मन्नत मांगा था पूरा हुआ, तो बैठाया 151 हाथी, सभी लोग आके देख रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय से मेला लगा हुआ है सामने से, क्या रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं, सब रुक के देख रहा है ये क्या हो रहा है। और देखिए एक अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, काफ़ी जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वही आपको बता दें कि जो आस्था का महापर्व छठ पूजा होती है, जिसमें दूर दराज के लोग जो है बाहर से आकर जो है अपने गंतव्य अपने गांव में आकर जो है पूजा अर्चना करते हैं, और जो छठी मैया से जो मन्नत मांगते हैं वह पूरा हो जाने के बाद जो है कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। ऐसे में जो है बिहार के अभी जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के दरियापुर गाँव से अभी आपको दिखा रहे हैं 2 बजे के करीब का यह तस्वीरें है, जहाँ पर काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, उसके बाद जो है हमने यहाँ पर आकर जो देखा दृश्य जो है काफ़ी आकर्षण केंद्र था। उनके परिवार के लोगों के द्वारा जिनके द्वारा बैठाया गया है, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि हमारे बेटा को जो है पुत्र नहीं हो रहा था, इसके वजह से जो है उन्होंने छठ पर्व के वक्त जो है उसकी जो बारे में जो है मन्नत मांग दी, और उसके बाद जो है मन्नत पूरा हो जाने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद जो है आज जो है 151 हाथी को बैठाकर जो है अपनी मन्नत को पूरा करने पर जो है छठी मैया को आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक ले जा दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।